जय दोस्त, मैं आपका दोस्त सर्वेश, NIS बॉक्सिंग फिजिकल कोच। दोस्त, मैं आपको कहा था कि आर्मी में 1600 रनिंग से पहले वार्म अप नहीं कराया जाता है, तो फिर तैयारी करते समय 1600 मीटर रनिंग से पहले वार्म अप क्यों करें? क्वेश्चन छोड़ गया था आप लोग के लिए और पूछा भी था। पूरी प्रक्रिया लेके आ चुका हूँ कि वार्म अप क्यों करना है, वार्म अप करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, वार्म अप करने से क्या बेनिफिट है, सारी बातें बताएंगे। सबसे पहले वार्म अप करना क्यों आवश्यक है ये बताएंगे, उसके बाद वार्म अप किस रूप में कार्य करता है आपके शरीर में, किस रूप में वार्म अप कार्य करता है, वो वार्म अप की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। वार्म अप से फायदा बेनिफिट क्या होगा, इंडियन आर्मी में वार्म अप क्यों नहीं, 1600 मीटर रनिंग से पहले वार्म अप इसी तरीके में छुपा है, मशीन के तरह कार्य करता है शरीर। शरीर एक मशीन है, इसके रूप में हम आपको पूरा पढ़ाएंगे वार्म अप का पूरा डिफिनेशन, वार्म अप क्या होता है, वार्म अप क्यों करना आवश्यक होता है, आर्मी में वार्म अप होता है कि नहीं, सारी प्रक्रियाएं टू जेड बताएंगे आपको। तब समझ में आएगा कि अब आर्मी में जब भर्ती देने जाते हैं तो 1600 मीटर फिजिकल से पहले वार्म अप क्यों नहीं कराते हैं या कराते हैं, दोनों बातों को मैं अभी डिफाइन करूंगा, तब आपको क्लियर हो पाएगा। तो सबसे पहले आप नीचे से शुरुआत करेंगे फिर ऊपर से, वार्म अप करना क्यों आवश्यक है, क्वेश्चन है वार्म अप करना क्यों आवश्यक है। तो दोस्त, मैं आपको बता दूं, जो हमारा एक शरीर होता है वो मशीन के रूप में कार्य करता है, शरीर एक मशीन है जो कि कार्य भी मशीन के तरह ही करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास गाड़ी है कोई, और उसको सुबह अगर आप स्टार्ट करने जाते हैं तो उसको पहले स्टैंड हटाते हैं, फिर रोड पे ले जाते हैं, फिर उसको किक मार के स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़ी देर गर्म करते हैं, वरना अगर आप गियर लगा दीजिए तुरंत गाड़ी बंद हो जाएगी, इंजन में प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर सेल्फ स्टार्ट है तो कहा जाता है सुबह सुबह आप सेल्फ स्टार्ट न करें, किक से स्टार्ट करें, कि जिससे उसकी इंजन क्षमता लंबे समय तक बनी रहे। तो सेम शरीर की भी यही प्रक्रिया होती है कि हम सुबह सो के जब उठते हैं या हम कहीं टहलते रहते हैं, कहीं जाते रहते हैं, तो हमारी शरीर जो होती है उसके अनुसार कार्य करती है। और अचानक अगर हम फील्ड पे दौड़ देंगे तो जो हमारे शरीर की मशीन है वो कार्य उतनी क्षमता नहीं है कि वो कार्य करने की क्षमता जो था आपका टहलने का था, न कि दौड़ने का था। तो उससे क्या होगा, बॉडी में आपका कहीं ना कहीं पार्ट में जर्ड आएगा, दर्द यहाँ आ जाएगा, पैर ट्विस्ट होने की संभावना रहती है, घुटनों में दर्द आएगा, सिन पेन आने की संभावना होती है, उसके बाद शोल्डर में आपके खिंचाव आने का संभावना रहता है, नी पेन आने की संभावना होती है। तो बहुत सारी परेशानियां आपको खड़ी हो सकती है। सबसे अधिक जो इसमें परेशानी देखा गया है, दो सबसे बड़ी परेशानी देखा गया है, एक तो चेस्ट के नीचे आपके दर्द होता है, दूसरा आपका पैर ट्विस्ट हो जाता है, एंकल जिसको बोलते हैं वो ट्विस्ट हो जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया है। तो जैसे क्या होता है, इंजन को जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो क्या करता है, पेट्रोल और जो आपके इंजन ऑयल है वो बिजली को पैदा करता है, उसको गाड़ी के इंजन में भेजता है, उसको इंजन फिर कार्य करना शुरू करता है। तो जितनी उसको क्षमता होती है उतनी, अगर आप शुरुआत में 10 गियर लगा के गाड़ी स्टार्ट कर देंगे, 4 गियर लगा के, 3 गियर लगा के अगर गाड़ी आप स्टार्ट करते हैं तो 3 और 4 गियर पे गाड़ी आपकी आगे नहीं बढ़ेगी, बहुत धीमे मात्रा में बढ़ेगी और बंद हो जाएगी, क्योंकि उसकी उतनी क्षमता नहीं। पहले गाड़ी की क्षमता को बढ़ाया जाता है, सेम वार्म अप की भी वही क्षमता है, मशीन के तरह ही कार्य करती है। शरीर आपकी जो है क्या होता है, आपके रक्तचाप बॉडी जो स्थिर रहता है, रक्त प्रवाह धीमे धीमे वार्म अप करने से रक्त प्रवाह तेजी उससे हो जाता है, मांसपेशियां अपने जगह जो स्थिर होती है वो कार्य करने की क्षमता में परिवर्तित हो जाती है, और ऊर्जा शरीर को प्रदान करना तेजी से शुरू कर देती है कि जिस आधार से आपको वर्क करना है उस आधार से आपको क्रिया प्रारंभ हो जाता है, धड़कन तेज हो जाती है, जिससे रक्त का प्रवाह शरीर में तेज हो जाता है, जिससे कि आप वार्म अप हो पाते हैं जब वार्म अप करते हैं तब, और रनिंग करेंगे तब आपको किसी भी प्रकार की इंजर्ड नहीं आएगा। दूसरा, इंडियन आर्मी में वार्म अप क्यों नहीं, तो इसका बाद में बताते हैं, पहले वार्म अप से फायदा। वार्म अप से फायदा आपको हमने बता दिया, जब वार्म अप कर लेंगे तो आपके सबसे पहले चेस्ट के नीचे पेन नहीं आएगा, घुटनों में ट्विस्ट होने की संभावना, घुटनों में दर्द होने की संभावना कम हो जाएगी, सिन पेन आने की संभावना कम हो जाएगी, उसके बाद पैर मुड़ने यानी ट्विस्ट होने के, एंकल ट्विस्ट होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। वार्म अप की प्रक्रिया, वार्म अप
की प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले स्टार्टिंग जो होती है आपकी हल्की लमसम 100 में 30% से 40% के बीच में हल्की स्ट्रेचिंग करते हैं, उसके बाद हल्का धीमे धीमे दौड़ते हैं, उसके बाद एक राउंड दो राउंड धीमे दौड़ने के बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी आपकी वार्म अप हो जाती है। थोड़ी स्ट्रेचिंग करना, अगर लेग की एक्सरसाइज अधिक करना तो लेग की स्ट्रेचिंग, अगर हैंड एक्सरसाइज करना तो हैंड की स्ट्रेचिंग, अगर पूरी बॉडी पूरी मसल्स की एक्सरसाइज करना है तो पूरी बॉडी की हल्की फुल्की एक्सरसाइज करके आप वार्म अप कर सकते हैं। उसके बाद वार्म अप किस रूप में कार्य करता है? वार्म अप जो होता है मशीन के रूप में कार्य करता है। जिस प्रकार मशीन में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, उसी प्रकार जो वार्म अप होता है शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, उनकी गति को बढ़ाने का कार्य करता है, कार्य क्षमता को आपको बढ़ाने का कार्य करता है। उसके बाद वार्म अप करना क्यों आवश्यक है? वार्म अप अगर आप नहीं करते हैं, बार फिर से आपको बता दूं, वार्म अप अगर आप नहीं करेंगे तो इंजर्ड होंगे, परेशानियां आएंगी, आपको बहुत सारे ऐसे मोड आएंगे जहां पे आपको कुछ समय बाद फिर ग्राउंड पे वापस नहीं आ पाएंगे और आपके कमर में भी पेन आना शुरू हो जाएगा, चेस्ट के नीचे पेन आएगा, रिस्ट में पेन आएगा, उसके बाद सिर पेन आएगा, बहुत सारी परेशानियां हैं, तो उससे बचने के लिए वार्म अप करना है। इंडियन आर्मी में 1600 मीटर रनिंग कराने से पहले वार्म अप क्यों नहीं कराया जाता? हम यहाँ जब 1600 मीटर रनिंग करते हैं तो वार्म अप करके करने की हम बात कर रहे हैं, तो इंडियन आर्मी में भी तो कुछ होता होगा। आपको बता दें दोस्त, जब हम लाइन में लगते हैं, इंडियन आर्मी की लाइन जो होती है बहुत लंबा होता है, और जब रनिंग करने की टाइमिंग होती है उससे पहले क्या होता है, हमें बैठना होता है, फिर आगे बढ़ के बैठना होता है, फिर वो जब ग्राउंड में बुलाते हैं उससे पहले आपको क्या करते हैं, रन करके आओ, बैठते हैं, कहते हैं नहीं 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 वापस जाओ, फिर रन करके आओ, फिर वापस बैठो। उसी में कुछ बच्चे जो तेज होते हैं वो हल्की फुल्की पैर की स्ट्रेचिंग भी कर लेते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि वो डंडे दिखा के डराते हैं, लंबा हम चलते हैं तो क्या होता है हमारा खून का रफ्तार तेज हो जाता है, एक डर एक ऐसी चीज है कि दिल की धड़कन को बढ़ा देती है, और दिल की धड़कन बढ़ने का मतलब है कि आपके शरीर में खून का प्रवाह तेजी से हो जाएगा और ऊर्जा तेजी से बॉडी में ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा पूरी बॉडी में परिवर्तित होके भेजना, ऊर्जा को तेजी से कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, क्योंकि हमारा माइंड जो होता है वो कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है, जिसके कारण इंडियन आर्मी में इस प्रकार से वार्म अप होता है। इंडियन आर्मी भी वार्म अप कराती है, लेकिन आपको दूसरे तरीके से कराती है, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो किसी भी वीडियो में आज तक किसी ने ये नहीं बताया होगा कि इंडियन आर्मी में वार्म अप होता भी है कि नहीं, ज्यादातर बोलेंगे कि नहीं वार्म अप नहीं होता, डायरेक्ट रनिंग करा दिया, ऐसा कहीं नहीं। आपको याद होगा आपको बैठाया जाता है, उठाया जाता है, पीछे से बोला जाता है दौड़ के आओ बैठो, फिर उनको पसंद नहीं आता, फिर बोलते एक बार और दौड़ के आओ बैठो, तो क्या होता है उससे आपकी बॉडी में कार्य क्षमता बढ़ जाती है। उसके बाद जब आपकी स्टार्टिंग होती है तो लंबे स्टेप से स्टार्टिंग होती है, क्योंकि एक लंबी भीड़ होती है, अगर आप उसमें शूट मारने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत जल्दी थकान आ जाएगा, इसलिए लंबे स्टेप से मीडियम रनिंग बोलते हैं ना, एक स्लो मीडियम होता है, एक मीडियम होता है, एक फास्ट होता है, तो मीडियम पेस से आपको रनिंग पकड़ना है। उसके बाद आपको 100 मीटर जाते जाते पूर्णतः जगह मिल जाएगी और आप किनारा पकड़ के रनिंग कर सकते हैं। तो दोस्त आपको मैं समझ सकता हूँ कि पूरा वार्म अप का प्रकार, वार्म अप से फायदा, वार्म अप से बेनिफिट, फर्स्ट वीडियो आपके पास आया है और आप इससे देख के समझेंगे, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि और भी जो फिटनेस कोचेज है वो भी बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये शेड्यूल किसी के पास नहीं मिलेगा। अब इससे नकल मार के भले वो लोग बनाए, लेकिन मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम हर एक बच्चे के पास शेड्यूल पहुंचना बहुत आवश्यक है। तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्त। जय हिंद, जय भारत।